आप टीटीपी को ले आते हैं हम पे पे लाते हैं? इल्जाम है ना।, ना? हम बॉर्डर से इन लोगों को आने तो बॉर्डर रोक सकता नहीं तो मुझे, मुझे बॉर्डर किसके कंट्रोल में गवर्नमेंट ने कह दिया कि इन लोगों को लेकर आए तो कोई रोक सकता है नहीं बोल दिया लोग आने चाहिए बस लोग आने चाहिए बिल्कुल नहीं आपका जो आपका जो मैं चले मैं आपको बताता हूं नेशनल सिक्योरिटी आपकी मीटिंग हो रही थी नेशनल में उस वक्त के जनरल बाजवा ने कहा था मैं खुल के बात कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में उसने कहा था हर एक अमल का आखिरकार हमें लोगों को सेटल करना पड़ता है उस वक्त की डीजीआई ने यह बात कही थी तो, तो उस वक्त में आर्मी चीफ उस वक्त के के बारे में बात तो करेंड नहीं हो रहा था तो बाकी तो पोलिटिकल पार्टीज को भी तो इन लेना चाहिए। वहाँ पे, वहाँ पे, कि हमें हर चीज में तो कुछ नहीं लिया वहां पे उसी के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल बोला था सा, सारी की सारी बैठी थी और सब कह रहे थे मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर लोग कह रहे थे दूसरी जमातों के कि टीटीपी को हम किसी तरीके से माफ नहीं कर सकते नहीं करने देना चाहिए टीटीपी की बात ही नहीं मैं बात कर रहा हूं कि बॉर्डर किसके कंट्रोल में बॉर्डर कोई केपी के पटवारी या बलूचिस्तान के पटवारी के हाथ में

आप लोग असेंबल होना चाह रहे हैं डी चौक पे जी और आप कह रहे हैं पीसफुल होगा इंशाला प्रोटेस्ट इन इट एक जगह आप कहते हैं पहले तो जयशंकर साहब आए हमारे जलसों से खिताबेड मिस कोटेड नहीं

राइट टू असेंबली के अंदर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप कहते हैं कि हमारा ये हक है कि हम कहीं जाकर एहतजा करें यह कहते हैं एवरी सिटीजन शेल अ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स विदाउट आर्म्स वाला काम आपका इस वाले जलसे के अंदर इस वाले एहतजा में भी नहीं हुआ आर्म्स थे अली अमीन गंडापुर साहब बाकायदा उनकी फुटेज है जहां वो इस तरह से गन शूट करने का ऑर्डर दे रहे हैं

थ्री एम पी ओ लगता है थ्री एम पी ओ क्यों लगाते हैं क्या वो भी फिर कानून उनको पूरा इजाजत देता है आप एक कानून को गलत आपके पास ये ये पेन है इस पेन को मैं लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं इस पेन की मैं निप खोल के किसी के आंख में मारूं आदमी शख्स मर भी सकता है हकूमत ये कर रही है वो एक कानून है उसकी उन, उनका सवाल उमर अयूब साहब मैं उनसे पूछूंगी उस इसी वो अपने से वो 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 अपना वो जवाब ही नहीं दे सकते आप यकीन जानिए कि इसी, शिद्दत, भी से, भी नहीं पूछ सकते इसी शिद्दत से मैं हुकूमत से भी सवाल करती हूं मेरा काम सिर्फ सवाल करना है मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर दोबारा सोच विचार कर सकती है कि हमने 15 अक्टूबर को एहतजाज करना है या नहीं करना अगर हुकूमत रीच आउट करती है हमारा हमारा बहुत क्लियर है

टा नहीं लग जो देखें जिन्होंने लगाना था पार्टी पॉलिटिकल तरीके से जिन्होंने वेडर साहिबान से पूछे वेडर से पूछें कि किसी का पार्टी को खत्म किया नहीं हुआ। दूसरी बात पे आते हैं इस इस वक्त के में उनका ख्याल था जम इमरान खान साहब को डेथ सेल में रख के उनको कट ऑफ कर देंगे पीटीआई उन्होंने कहा था नहीं बिल्कुल गलत बात उन्होंने कहा हम लोग फ्लाउंडर कराएंगे हम लोग फ्लाउंडर कराएंगे पीटीआई को नहीं, नहीं, पीटीआई की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी इंपावर्ड है और हमने खुद फैसला किया कि हम लोग ये करेंगे जब तक हमें एक्सेस नहीं दी जाएगी